तीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज बताता हूँ भाई, देख के जो दिमाग में भौकाल मची जाएगा। पहली है गेट आउट, जो कि 2017 में आई थी। इस मूवी के अंदर भाई एक अफ्रीकन अमेरिकन बंदा होता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली से मिलने जाता है जो कि व्हाइट फैमिली होती है। वहां जाके भाई वो कुछ ऐसी चीजें देखता है जो कि उसने उम्मीद नहीं करी थी। तो जैसे जैसे वो चीजें देखता भाई हमारी भी धड़कने बढ़ती जाती है। तो इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना अभी तक नहीं करी है तो। दूसरी मूवी है अस, जो कि 2019 में आई थी। इस मूवी के अंदर चार लोगों की फैमिली होती है जो कि भाई एक वेकेशन पे जाते हैं और जब वो अपनी छुट्टी मना ही रहे होते हैं तो उनके घर के सामने उनको कुछ परछाइयां दिखती है। जब वो पास जाके देखते हैं तो भाई उनको पता चलता है कि उन्हीं की शक्ल के चार लोग उनके सामने खड़े होते हैं जो कि भाई देख के उनकी जाहिर सी बातें फट जाती है। इसके आगे की कहानी तो भाई मूवी देख के जानी पड़ेगी क्योंकि भाई काफी तगड़ी है। एंडिंग थोड़ी वीक है लेकिन भाई हॉरर एलिमेंट काफी तगड़ा है। तीसरी मूवी है अमेरिकन साइको, जो कि सन 2000 में आई थी। इस मूवी के अंदर दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अमीर एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एग्जीक्यूटिव दिखाया है कि भाई एक पर्सनलिटी होती है जो सबके लिए होती है लेकिन भाई एक पर्सनलिटी उसकी अलग भी है जो कि भाई काफी ज्यादा वॉयलेंट है। और वो जो पर्सनलिटी दोस्तों बहुत ही भयानक चीजें एंजॉय करती है। अब दोस्तों वो क्या क्या करके एंजॉय करता है, किस तरीके से अपनी पर्सनलिटीज को मैनेज करता है, भाई मूवी देख के जानो।